शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अयोध्या में तैयार होगा भव्य राम मंदिर। ट्रस्ट ने जारी किया मंदिर निर्माण की नई तस्वीर। तो बता दें कि राम मंदिर का भूतल तैयार हो चुका है, राम मंदिर की सीढ़ियां भी बनकर तैयार हो गई है। कुबेर टीला पर जटायु की मूर्ति स्थापित की गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला यहां पर विराजमान होंगे, इसको लेकर मुहूर्त भी सामने आ गया है। तो राम मंदिर की सीढ़ियों का भी प्रारूप सामने आ गया है, सीढ़ियां भी तैयार हो गई है। कुबेर टीला पर जटायु की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो 22 जनवरी वो तिथि जब यहां पर रामलला विराजमान होंगे, मुहूर्त भी सामने आ गया है और तमाम तैयारियों को लेकर अगर जानकारी दें तो तमाम तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। अयोध्या में तैयार हो गया है भव्य राम मंदिर। एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रस्ट के द्वारा जो तस्वीरें जारी की जाती हैं, राम मंदिर का निर्माण जिस तरह से किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जो है वो अयोध्या में की जा रही है। ट्रस्ट ने इसको लेकर मंदिर निर्माण की नई तस्वीर जारी की है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से राम मंदिर का भूतल तैयार हो चुका है और लगभग ये बताया जा रहा है कि जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। अब अंतिम रूप दिया जा रहा है राम मंदिर को, सीढ़ियां भी तैयार होकर बन चुकी है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता संजीव आजाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजीव, देखिए अब अंतिम दौर में कहीं ना कहीं तैयारियां हैं और बहुत ही कम समय बचा है जब रामलला यहां पर विराजमान होंगे, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है वो खड़ी धीरे धीरे करीब आ रही है और बहुत कम समय बचा है, इसलिए तैयारी की जा रही है, बेहद बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और अगर मंदिर निर्माण की बात की जाए तो जो भूतल है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है तो गर्भगृह बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, फिनिशिंग टच दिया जा चुका है और जो चबूतरा है बन गया है, सीढ़ियां बन गई हैं, यानी भूतल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जो कलाकृतियां होनी है खंभों पर वो सारी चीजें हो चुकी है, दरवाजे लगाए जा चुके हैं जो बाहर मंदिर है उनमें लगाए जा चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी चंपत राय जी ने बताया है कि जो मूर्ति है रामलला की वो भी बनकर तैयार हो चुकी है, वो बाल स्वरूप में मूर्ति है। बकायदे जिस तरीके से कोमल 5 साल के बालक के प्रतिमा होनी चाहिए उसी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो और अगर मंदिर के जो तमाम चीजें हैं, जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं हो, राम पथ पे तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, जो श्रद्धालु आए उनके बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, वो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब वो घड़ी जब करीब आ रही है तो मंदिर जो निर्माण है, जटायु की प्रतिमा लगाई जा चुकी है, जो मंडप अलग अलग बनाए जा रहे हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। तो कुल मिला के जो ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर सजग है कि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो उस दौरान जो मंदिर का लगभग निर्माण कार्य, हालांकि प्रथम तल और द्वितीय तल का निर्माण कार्य जारी है। ठीक है संजीव, नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो रायबरेली से बड़ी खबर है जहां